हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर सी आई एच भाव ऑनलाइन क्लासेज। तो स्टूडेंट, कल हम बात कर रहे थे आवर सारणी के बारे में, और आवर सारणी का विकास कैसे हुआ इसके बारे में हमने कई सिद्धांत दिए थे। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास जो सिद्धांत आया था वो लेवोसियर का सिद्धांत था, उसके बाद में आया प्राउट का सिद्धांत, उसके बाद में आया था हमारे पास में न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, न्यूलैंड्स का नियम, उसके बाद हमारे पास में आया था डोबिन राइनर का नियम, उसके बाद हमारे पास में आया था मेनेटिक का सिद्धांत, और उसके बाद में जो आधुनिक आवर सारणी हम पढ़ रहे हैं जिसकी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, वो आधुनिक आवर सारणी मोज़ले के द्वारा दी गई थी, और उसी ही आधुनिक आवर सारणी का विस्तार रूप आज हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं, हमारे पास ये आवर सारणी दी गई है, ये आधुनिक आवर सारणी है, और आधुनिक आवर सारणी में कुल तत्व 112 की बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब इनमें बात करते हैं, ये जो आपके पास में तत्व थे इन तत्वों को क्रम वाइज आवर्त व स्तंभ जिनको वर्ग बोलते हैं इनमें व्यवस्थित किया गया था। अब स्टूडेंट जो आपके सामने ये दिए गए हैं जो 36 पंक्तियां हैं इनको हम बोलते हैं आवर्त, और ये जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं इनको हम बोलते हैं वर्ग। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि सर आवर्त कितने होते हैं, तो आवर्त होते हैं 7, आवर्त होते हैं 7 व वर्ग होते हैं 18। ठीक है, तो ये आपके पास में 7 आवर्त हो गए, इधर लिख रहा हूं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ व सेवन्थ, ये तो स्टूडेंट हमारे पास में हो गए आवर। अब बात करते हैं वर्ग। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास में ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन दी गई है इसको बोलते हैं वर्ग फर्स्ट, ये हमारे पास में वर्ग हो जाएगा पहला, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, स्टूडेंट ये जो हमारे पास में है ये 18 वर्ग है। ठीक है, 7 हमारे पास में है आवर और 18 हमारे पास में क्या आ जाएंगे, वर्ग आ जाएंगे। स्टूडेंट अब बात करते हैं, ये जो आपके पास में आवर और वर्ग हैं इनमें ये जो वर्ग दिए गए हैं स्टूडेंट, इन वर्ग में ये जो पहला और दूसरा वर्ग है, वर्ग जो पहला है और दूसरा जो वर्ग है इसको हम बोलेंगे एस ब्लॉक। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक को बोलेंगे पी ब्लॉक, मतलब इनको बोलेंगे एस ब्लॉक के तत्व, इनको बोलेंगे पी ब्लॉक के तत्व। बच गए हमारे पास में 3 से लेकर 12, इनको हम बोलेंगे डी ब्लॉक, और नीचे जो हमें ये सीरीज दी गई है श्रेणी जिसको हमने बोला लैंथेनाइट श्रेणी और एक्टिनाइट श्रेणी, ये एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। किसके होते हैं, एफ ब्लॉक के। अब बात ये करते हैं कि आवर सारणी में हमारे पास में जो कुल तत्व हैं वो तत्व हैं 112, 7 आवर्त हैं और 18 हमारे पास में क्या है, वर्ग हैं। तो हमारे पास में जो वर्ग फर्स्ट है स्टूडेंट, इस वर्ग फर्स्ट का दूसरा नाम भी होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट ए और इसको बोलते हैं सेकेंड ए। इस फर्स्ट ए सेकेंड ए इसको बोलेंगे स्टूडेंट थर्ड बी, इसको फोर्थ बी, इसको फिफ्थ बी, इसको सिक्स बी, ये हो जाएगा हमारे पास में 7, 8, 9, 10th जो ग्रुप होगा ये होगा हमारे पास में 8th बी। स्टूडेंट ये हो जाएगा फर्स्ट बी और ये हो जाएगा सेकंड बी, ये हो जाएगा थर्ड ए, ये हो जाएगा फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन्थ ए, और इसको बोलेंगे स्टूडेंट 8th ए, या इसको हम बोल सकते हैं शून्य सम। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं हमारे पास में जो फर्स्ट ए दिया हुआ है स्टूडेंट, इसको बोलेंगे क्षारीय धातु वर्ग, क्या बोलेंगे, क्षारीय धातु वर्ग। इसको बोलेंगे सेकंड को क्षारीय मृदा धातु वर्ग। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में बात आ गया, ये जो ग्रुप है हमारे पास में ग्रुप 11, ये जो वर्ग है 11 इसको हम बोलेंगे सिक्का धातु वर्ग, सिक्का धातु वर्ग। हम
हमारे पास में जो वर्ग 12 है, वर्ग 12 के तत्वों को हम कहते हैं वाष्पशील धातु वर्ग, वाष्पशील धातु वर्ग। अब बात करते हैं स्टूडेंट जो हमारे पास में बच गए, ग्रुप नंबर 15 जो है इसको बोलेंगे नाइट्रोजन उर्वरक वर्ग, ये नाइट्रोजन उर्वरक वर्ग। 16 नंबर का जो हमारे पास में समूह है, ये जो वर्ग है इसको हम बोलेंगे चालकोजन। 7 या इसको निकोजन भी कहा जाता है, ये आ जाएगा हैलोजन परिवार। और स्टूडेंट ये जो हमारे पास में वर्ग दिया हुआ है 18वां जो वर्ग दिया हुआ है इसको बोलेंगे शून्य समूह या अक्रिय गैस वर्ग, अक्रिय गैस वर्ग। तो स्टूडेंट ये कुछ कॉमन पॉइंट थे कि आवर्त सारणी में हमारे पास में कुल तत्व 112 हैं, आवर्त होते हैं 7 और वर्ग होते हैं 18। इन सभी तत्वों को क्रमवाइज व्यवस्थित किया गया था इनके परमाणु क्रमांक के आधार पर। अब जैसा कि स्टूडेंट आप देख रहे होंगे यहाँ पर सभी के परमाणु क्रमांक लिखे हुए हैं, जैसे कि 1, 3, 11, ये आपके पास में सारे सारे परमाणु क्रमांक हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुल तत्व 112 हैं, 112 में हमारे पास में धातु कितनी है, तो धातु होंगी स्टूडेंट 88। अधातु जो होंगी हमारे पास में वो होंगी 17, और जो उपधातु हैं वो होंगी स्टूडेंट हमारे पास में 7। ठीक है, कुल तत्व हो गए 112, धातु हो जाएंगी 88, अधातु हो जाएंगी 17, और उपधातु कितनी हो जाएंगी 7 हो जाएंगी स्टूडेंट। अब बच ये गया कि सर हमारे पास में धातु कौन कौन सी हैं, अधातु कौन कौन सी हैं, और उपधातु कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट ये आपको जो दिख रहा है, ये जो आपको ब्लैक मार्क्स कर रहा हूँ, ब्लैक से ये जो डिब्बे बना रहा हूँ, इन डिब्बों में जो भी तत्व हैं, जो भी परमाणु हैं, जो इन डिब्बों में क्या हैं बंद हैं, ये सारी की सारी हमारे पास में क्या होंगी उपधातु होंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे पास में 7 क्या हो जाएंगी उपधातु। इसके इधर की साइड में जो भी बच गई इन सभी को बोलेंगे धातु, और इनके इधर की साइड में जो भी बच गई इनको बोलेंगे अधातु स्टूडेंट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखना स्टूडेंट तत्वों को 4 ब्लॉक में विभाजित किया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक व एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में स्टूडेंट हम यहाँ पर 2 श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं, एक तो होती है लैंथेनाइड श्रेणी जिसको हम बोलते हैं 4F श्रेणी, और एक होती है एक्टिनॉइड श्रेणी जिसको बोलते हैं 5F श्रेणी। ठीक है स्टूडेंट, इन 4F एंड 5F श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में, एक श्रेणी में 14 तत्वों को रखा गया है, आप देख सकते हैं। तो 14 तत्व इसके हो गए, 14 तत्व इसके हो गए, तो कुल जो तत्व होते हैं एफ ब्लॉक में वो होते हैं 28। कितने होते हैं स्टूडेंट, 28 तत्व होते हैं। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे पास में धातु होती हैं 88, अधातु होती हैं 17, और उपधातु कितने दिए हुए हैं, यहाँ पर हमें 7 दी गई है स्टूडेंट। अब बात करेंगे कि आवर्त सारणी में कुल गैसों की संख्या कितनी है, कुल गैसों की संख्या। तो स्टूडेंट आवर्त सारणी में कुल गैस होती हैं 11। अब ये कुल गैस 11 कौन कौन सी होती हैं, इधर देखना आपके पास में हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, और बाकी ये जो अक्रिय गैस हैं ये सारी सारी क्या होंगी आपके पास में गैसें होंगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हाइड्रोजन हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन प्लस अक्रिय गैस। ठीक है स्टूडेंट, बात करते हैं कुल द्रव तत्व। तो हमारे पास में जो द्रव में होंगे वे तत्व जिनकी अवस्था द्रव पाई जाती है, किसी भी तत्व पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव है, गैस। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सर यहाँ पर गैस कौन कौन से हो गए स्टूडेंट, तो गैस हो गई हमारे पास में 11, द्रव कितने हो जाएंगे पास 6 हो जाएंगे स्टूडेंट। अब 6 में द्रव कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट, इधर देखना हमारे पास में सीजियम दिया हुआ है, Fr दिया हुआ है, 2 तत्व तो ये हो जाएंगे हमारे पास में, ये दोनों कैसे होते हैं हमारे पास में द्रव।
ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास में द्रव कौन कौन से हो सकते हैं तत्व। तो इधर हमारे पास में जो ये दिया हुआ है GA, ये भी एक द्रव तत्व होता है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है UUP, ये भी एक द्रव तत्व होता है। उसके बाद हमें दिया गया है ब्रोमीन, ये भी एक द्रव तत्व होता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो कुल मिलाकर हमारे पास में जो द्रव तत्व है, यहाँ पर हमें दिया होगा HG, मरकरी, ये भी क्या होता है, द्रव तत्व होता है। तो कुल द्रव तत्व हमारे पास में कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 6 हो जाएंगे, जिनको मैं लिखाऊंगा CS, FR, HG, UUV, GA और BR, ये सारे क्या हो जाएंगे, द्रव हो जाएंगे। तो स्टूडेंट बच गए ठोस तत्व। अब हमारे पास में जो ठोस तत्व जो बच गए स्टूडेंट, वो कितने बचेंगे हमारे पास में, यहाँ पर है 92। देखते हैं कैसे 92, 92 और 6 98, 98 के बाद में आप इसमें 11, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास में दिए हुए हैं 11 और 6 ये हो जाएंगे, ठीक है। और इनको ऐड कर दो तो 6 तो 8 रख लो, 9 एक 10, 109 के आसपास हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर जो ठोस तत्व जो हमारे होंगे वो लगभग हो जाएंगे 95 के आसपास, ठीक है। तो हमारे पास में देखते हैं स्टूडेंट वापस से, आवर्त सारणी में कुल तत्व 112 की बात करेंगे, और 112 तत्वों में हमारे पास में जो धातु होती हैं 88 होती हैं, अधातु होती हैं 17 होती हैं, उपधातु जो होती हैं कितनी होती हैं, 7 होती हैं। अब बात करेंगे आवर्त सारणी में कितने तत्व गैस अवस्था में होते हैं, तो 11 तत्व जो होते हैं वो गैस अवस्था में पाए जाते हैं, 6 तत्व जो होते हैं वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, और बाकी जितने भी जो तत्व बच गए वो सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब बात ये करते हैं कि सर आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो स्टूडेंट आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं। कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, 18 वर्ग होते हैं। और यहाँ पर हम 4 ब्लॉक जो होंगे उनमें तत्वों को व्यवस्थित करेंगे, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक व एफ ब्लॉक स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास में है एस और पी ब्लॉक स्टूडेंट, एस एंड पी ब्लॉक तत्वों को सामान्य प्रतिनिधि तत्व भी कहा जाता है। जो डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, ये जो डी ब्लॉक हमारे पास में है इसको बोलेंगे संक्रमण तत्व। और स्टूडेंट हमारे पास में जो एफ ब्लॉक बच गया इसको बोलेंगे अंतः संक्रमण तत्व। तो स्टूडेंट एस और पी ब्लॉक को बोलेंगे सामान्य प्रतिनिधि तत्व, डी ब्लॉक को बोलेंगे हम संक्रमण तत्व, और एफ ब्लॉक जो होगा उनको हम बोलेंगे अंतः संक्रमण, ठीक है स्टूडेंट। हमारे पास यहाँ पर दिया गया है कि सर हमारे पास में ये है एस ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक, ये है एफ ब्लॉक, और सभी में ये जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है स्टूडेंट, ये आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। इसका आधार है तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है, अर्थात कि आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्व जो होते हैं वो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। एक निश्चित समय पश्चात ये तत्व अपने गुणों की पुनरावृत्ति को दर्शाते हैं, इसे ही मूजले की या फिर आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। वापस से देख लेते हैं स्टूडेंट, 112 तत्व हैं, 112 तत्व जो होंगे 4 ब्लॉक में व्यवस्थित होंगे, एस पी डी और एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में 2 सीरीज आती है, 4F सीरीज और 5F सीरीज। 4F को बोलेंगे लैंथेनाइड श्रेणी, 5F को बोलेंगे एक्टिनाइड श्रेणी, ठीक है स्टूडेंट। इनमें 14 तत्व होंगे, कुल मिलाकर एफ ब्लॉक में 28 तत्व पाए जाते हैं। हमारे पास में जो यहाँ पर गैस तत्व होंगे वो होते हैं स्टूडेंट 11, द्रव तत्व होते हैं 6, और बाकी बच के हमारे पास में जो ठोस तत्व होते हैं वो होते हैं 95। बात करेंगे धातु होती है 88, ए धातु होती है 17, और उप धातु होती है स्टूडेंट हमारे पास में कितनी, 7 होती हैं। एस ब्लॉक जो होगा इसमें जो फर्स्ट वर्ग है इसको बोलेंगे क्षार्य धातु वर्ग, सेकंड जो वर्ग होगा इसको बोलेंगे क्षार्य मृदा धातु वर्ग, ठीक है स्टूडेंट। ये जो आपके पास में दिया हुआ वर्ग 11 इसका नाम पड़ेगा सिक्का धातु वर्ग, वर्ग जो 12 इसको बोलेंगे वास्तविक धातु वर्ग, वर्ग जो 15 इसको बोलेंगे नाइट्रोजन उर्वरक वर्ग, वर्ग जो 16 इसको बोलेंगे चालकोजन वर्ग,
वर्ग जो 17 है उसको बोलेंगे हाइड्रोजन परिवार, और वर्ग जो 18 उसको बोलते हैं शून्य समूह या अकेले गैस वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, बाकी बात करेंगे कल की क्लास में।